आखिरी सवाल मेरा नीट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है। सरकार जो बार बार कह रही थी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी वही आया है। आप क्या कहना चाहते हैं, लाखों युवाओं के लिए एक राहत की सांस आई है, व्हाट्स योर टेक? जैसे मेरे मित्र धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था, सत्यमेव जयते, यही सही रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। लाखों बच्चों ने बड़ी मेहनत से यह एग्जाम दिया था। कुछ छोटी घटनाएं हुई थी कुछ आइडेंटिफाइड सेंटर्स पे, एक बहुत स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती थी, उस पर सरकार भी कड़ी कार्रवाई ले रही है, कर रही है। कुछ बच्चों का तो री एग्जाम हो चुका है और कुछ सेंटर्स पे जहां कुछ गलत काम हुआ उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सीबीआई जांच के द्वारा की जा रही है। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कुछ पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट इसके लिए बार बार कोशिश करते हैं कि नीट बंद हो। इसमें डीएमके जैसे पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। उनको जो सामान्य स्टूडेंट्स को आज लाभ मिल रहा है, बिना कैपिटेशन फी पे करे, जो आज गरीब से गरीब व्यक्ति आज नीट का एग्जाम देके मेडिकल कॉलेज में भर्ती ले पाते, विशेषकर जो मातृभाषा में एग्जाम देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है, उससे एक सामान्य व्यक्ति जो अपने मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं उसको भी जो मौका मिल रहा है, उससे ये बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस जो राजनीतिक प्रभाव में रहे कुछ राज्यों में, उससे डीएमके का और कांग्रेस का पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ। जी, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज आपने नाम लिया वो री एग्जामिनेशन के लिए भी बोल रही थी, अगर वो री एग्जामिनेशन सरकार करवा देती तो आज लाखों छात्रों का भविष्य भंवर में लटक जाता। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार ने तब चुप्पी साधी रखी और फाइनल डिसीजन आया है? आज आप उन नेताओं को क्या कहना चाहते हैं जो री एग्जामिनेशन के लिए बोल रहे थे? मैंने जैसे बताया उनका पर्दाफाश हुआ है, उनको सिर्फ राजनीतिक लाभ और कुछ ही चंद कॉलेजेस का लाभ करने का हेतु था, वो पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो गए। जी जी। और आज उन्होंने माफी मांगनी चाहिए देश से, जिस प्रकार से उन्होंने पार्लियामेंट में भी हंगामा किया, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया और देश को भ्रमित करने की कोशिश की, कांग्रेस और डीएमके ने विशेष माफी मांग दीजिए देशवासी। जी पीयूष गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास दिन पर जुड़ने के लिए और खास तौर पर बजट पर बात करने के लिए और नीट पर भी आपने अपना रिएक्शन दिया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल।